नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने समाप्त किया अक्टूबर 2023। आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं नवंबर 2023। आज की क्लास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकृत महिला मतदाता है? ऑप्शन है आपके झोटवाड़ा, किशनपोल, अजमेर उत्तर या फिर कोटा दक्षिण। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा पंजीकृत महिला मतदाता किस विधानसभा क्षेत्र में है? प्रश्न का उत्तर है झोटवाड़ा। यदि इसमें ऐसा पूछ लिया जाए महिला शब्द ना भी हो तब भी इस प्रश्न का उत्तर यही रहेगा, यानी कुल मतदाता, सबसे ज्यादा मतदाता किस विधानसभा क्षेत्र में है, तो ये यही जयपुर का झोटवाड़ा। कुल विधानसभा, कुल जो पंजीकृत मतदाता है यहाँ लगभग 4 लाख से अधिक है। मैं एक सामान्य आंकड़ा लिख देता हूँ, 4 लाख 28 हजार के आसपास है कुल मतदाता, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ कितनी है, ये लगभग 2 लाख 5 हजार के आसपास है। तो ये हम लिख देते हैं 2 लाख प्लस। सबसे ज्यादा कुल मतदाता भी यही है और सबसे ज्यादा महिला मतदाता भी यही है। यदि न्यूनतम मतदाताओं की बात की जाए तो तब उत्तर होगा किशनपोल। आज की क्लास में चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि नवंबर वाला ये हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो पूरा नवंबर का महीना चुनाव के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो हम भी देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किशनपोल विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ न्यूनतम पंजीकृत मतदाता है। एक विधानसभा सीट की अगर बात की जाए कुल भी न्यूनतम है, और यदि बात की जाए महिलाओं की तो महिला मतदाता भी यही न्यूनतम है। प्रत्याशी के निधन के कारण निम्नलिखित में से किस विधानसभा सीट पर 25 नवंबर 2023 को चुनाव संपन्न नहीं हो पाए? राजस्थान में कुल 200 विधानसभा क्षेत्र है या 200 विधानसभा सीट है। 25 नवंबर को जो चुनाव हुए उसमें 199 विधानसभा सीट पर ये चुनाव संपन्न हुए, किसी एक विधानसभा सीट पर संपन्न नहीं हुए। वहाँ प्रत्याशी का निधन हो गया, प्रत्याशी का नाम क्या था, किस पार्टी से थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, नाम है गुरमीत सिंह कुंदर, और ये किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, तो ये श्री गंगानगर की करनपुर सीट। अब इस विधानसभा सीट पर तब चुनाव संपन्न नहीं हुए, लेकिन अब इसमें जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तिथि की घोषणा कर दी गई है, और वो कब होगा, 5 जनवरी 2024। अब 5 जनवरी 2024 के बाद ही राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंतिम आंकड़े आएंगे, क्योंकि अभी भी एक सीट पर चुनाव बाकी है। जैसे आप देखेंगे कि मतदान प्रतिशत कितना रहा, तो जो मतदान प्रतिशत है वो अभी 199 सीट का है, एक सीट का अभी और एड होना बाकी है, तब हम कह सकते हैं कि पूरी 200 विधानसभा सीट में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंतिम आंकड़े वो रहेंगे। 25 नवंबर 2023 को संपन्न राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, इसलिए मैंने यह प्रश्न में डेट के साथ लिखा है। यदि ऐसा लिखा जाए जनवरी या फरवरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तब इनमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, मामूली सा ही अंतर आएगा, क्योंकि अभी भी एक विधानसभा सीट पर चुनाव बाकी है, वहां कितने प्रतिशत होता है मतदान उसके आधार पर वापस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है कि चेंज हो जाए। अब जो हमारे पास डेटा है अभी तक, तो कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कुल मतदान पूछा गया है यहाँ, इसका मतलब है मतदान के जितने भी तरीके थे सब मिला के कुल कितना हुआ, ये था 75.45%। अब इसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ईवीएम, और दूसरा क्या था, पोस्टल वैलेट। अब पोस्टल वैलेट में कई तरह के पात्र व्यक्ति शामिल थे। इस बार पोस्टल वैलेट से होम वोटिंग की सुविधा भी शुरू हुई, जो सर्विस वोटर हैं वो भी पोस्टल वैलेट के द्वारा ही मतदान करते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के बात की जाए तो मतदान प्रतिशत कितना रहा, 75.45। ये जो है 74.62% ये रहा ईवीएम का वोट प्रतिशत, और 0.83% ये था पोस्टल वैलेट के माध्यम से। इस तरह कुल मतदान प्रतिशत कितना था, 75.45%। ये जो है यानी कि 74.72 और 74.43 ये भी ईवीएम से ही है, ईवीएम से महिला मतदान प्रतिशत और ईवीएम से
पुरुष मतदान प्रतिशत कितना कितना प्रतिशत रहा, 74.72 और 74.43। यानी ईवीएम से महिला मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा पुरुषों की तुलना। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान निम्नलिखित में से किस सीट पर महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा? पहला क्वेश्चन था कि महिला पंजीकृत महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ थी, वो थी जयपुर की झोटवाड़ा सीट। अब पूछा गया है महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ रहा, ऑप्शन है आपके कुशलगढ़, पोकरण, बसेड़ी या आहोर। चारों ही ऑप्शन किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे। कुशलगढ़ जहाँ कुल मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा, पोकरण जहाँ महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा। प्रश्न का उत्तर क्या है, पोकरण। यहाँ महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा और जो कितना रहा 88.23%। पोकरण जहाँ महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक, कुशलगढ़ जहाँ कुल मतदान सर्वाधिक और ये कितना रहा 88.13%। बसेड़ी यहाँ ये किस लिए चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ मतदान प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई, यानी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार जितना मतदान अधिक हुआ तो सर्वाधिक वृद्धि मतदान प्रतिशत में कहाँ हुई, बसेड़ी में। और ये वृद्धि कितनी थी 9.6%। अब सर्वाधिक वृद्धि है तो सर्वाधिक कमी भी कहीं होगी, सर्वाधिक कमी कहां रही, यानी पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सर्वाधिक कमी रही फलौदी में। और ये कितना रहा, तो कमी के लिए मैंने माइनस लिख दिया है 7.15%। इस तरह से चार आंकड़े चार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हो गए। अब लास्ट में एक और है डी ऑप्शन आहोर, ये भी चर्चा में रहा, क्यों यहां मतदान प्रतिशत न्यूनतम रहा और ये कितना रहा 61.24%। कुल मतदान की बात हो रही है, कुल मतदान न्यूनतम रहा आहोर। तो चारों जो ऑप्शन है, चारों विधानसभा सीट, सबके कुछ ना कुछ तथ्य हैं, जैसे कि कुशलगढ़ यहाँ कुल मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा 88.13%, पोकरण जैसलमेर का जहां महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा कितना रहा 88.23%, बसेड़ी जहां पिछले चुनाव की तुलना में यानी 2018 की तुलना में 2023 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और वो बढ़ोतरी कितनी थी 9.6%, सर्वाधिक कमी हुई फलौदी में, ये कमी थी 7.15%। और इसके बाद है आहोर विधानसभा सीट जहाँ मतदान इस बार न्यूनतम रहा कितना 61.24%। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च की गई इलेक्शन बडी ऐप निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन की पहल है, ऑप्शन है आपके भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, जयपुर या फिर चूरू। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की पहल है जिसका नाम है इलेक्शन बडी ऐप, जिसका काम क्या था कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको चुनाव ड्यूटी से संबंधित जानकारी एक स्थान पर एक मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराना। सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था, मतदाता जागरूकता, बालिका शिक्षा जागरूकता, महिला आर्थिक सशक्तिकरण या फिर सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना। सतरंगी सप्ताह, सतरंगी और सप्ताह दो शब्द हैं इसमें, यानी कि सात रंग और सात दिन। सप्ताह में जो अलग अलग दिन है, अलग अलग दिन में हर दिन के साथ एक कलर थीम दी गई और एक कलर थीम के साथ हर दिन मतदाताओं के खास वर्ग को चुना गया कि उनको मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। जैसे कि एक दिन रखा गया महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, एक दिन रखा गया दिव्यांगों को जागरूक करने के लिए, एक दिन रखा गया ट्रांसजेंडर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, एक दिन रखा गया आदिवासी सुदूर क्षेत्र के जो मतदाता है उनको जागरूक करने के लिए। इस तरह सात अलग अलग दिन और हर दिन कोई ना कोई अलग कलर थीम के साथ उस दिन का टारगेट रखा गया उन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। यानी इसका उत्तर क्या है, मतदाता जागरूकता। और ये सप्ताह कब से कब आयोजित किया गया, 16 से लेकर और 22 नवंबर 2023। 42वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में, अच्छा चुनाव वाले जो क्वेश्चन थे यहां तक थे, इसके बाद आगे क्या है,
42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, स्वर्ण, रजत, कांस्य या प्लेटिनम? पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, नई दिल्ली के प्रगति मैदान नई दिल्ली। यहाँ विश्व पुस्तक मेला भी लगता है अगर आप जानते हो तो। अब इसमें पूछा गया है राजस्थान को कौन सा स्थान इसमें मिला, राजस्थान को इसमें कांस्य पदक या तीसरा स्थान कह सकते हैं राजस्थान को प्राप्त हुआ। राजस्थान के व्यापारियों ने, यहाँ के विभिन्न विभागों ने या कुल मिलाकर 25 से अधिक स्टॉल्स लगाई जिनमें राजस्थान के जो खास उत्पाद हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, उनका यह प्रदर्शन किया गया ताकि जो देशी विदेशी पर्यटक हैं, ग्राहक हैं, उनको आकर्षित किया जा सके। यूनिसेफ के तत्वाधान में डिजिटल बाल मेला कहाँ आयोजित किया गया, जयपुर, उदयपुर, कोटा या जोधपुर? यह आयोजित किया गया जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। इसमें 8 से लेकर 18 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं वो इसके तहत पात्र थे, जिनके लिए डिजिटल बाल मेला आयोजित किया गया। युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जयपुर? त्रिशक्ति से पता चल रहा है तीन शक्तियां, यानी भारतीय सेना की जो तीनों कमान है, तीनों सेना, इनका संयुक्त युद्धाभ्यास था ये, जो कि जैसलमेर में आयोजित किया गया। 3 से 5 नवंबर 2023 तक पहले इंडो कोरियन अंतरराष्ट्रीय कला शिविर, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था बूंदी में। आज की क्लास के जो 10 प्रश्न है समाप्त हुए, कल वाली क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था को गांधी सद्भावना सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, बांसवाड़े की संस्था है बागधारा, इसको सम्मानित किया गया। सारथी ट्रस्ट कहाँ से सम्मानित है, जोधपुर से, और इस संस्था को कितना सम्मान के तहत 5 लाख रुपए की जो राशि है चेक स्वरूप प्रदान की गई। विद्यार्थियों हेतु राज्य सरकार की विभिन्न निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजनाओं के तहत निम्नलिखित में से कौन पात्र नहीं है, तो इसमें कक्षा 1 से 12 तक के जो सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी हैं वो पात्र नहीं है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी पात्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों पर अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र हैं और पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी पात्र हैं। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, स्कूली बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर पर्यटन विवेचना एवं सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया गया, चित्तौड़गढ़ यात्रा के दौरान नाथद्वारा में एक केंद्र विकसित किया गया। राज्य सरकार द्वारा अब सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, यह निम्नलिखित में से किस विभाग के अधीन स्थापित की जाएगी, यह प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन स्थापित की जाएगी। कालीतीर परियोजना के तहत 709 करोड़ रुपए की लागत से 470 गांवों को पेयजल कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया गया, ये लाभान्वित गांव किन जिलों में है, तो ये हैं भरतपुर और धौलपुर में। कौशल विकास सहित 15 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालन हेतु केयर्न ऑयल के निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षरित किया, ये है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। एशियन पैरा स्पोर्ट्स होंगझोउ चीन में स्वर्ण पदक विजेता निमिषा सुरेस का संबंध किस खेल से है, इनका संबंध है लॉन्ग जंप। चीन में आयोजित एशियन पैरा स्पोर्ट्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध किस स्थान से है, इनका संबंध है भरतपुर से। एशियन पैरा स्पोर्ट्स में रोविंग PR3 मिक्स डबल्स में रजत पदक जीतने वाली अनिता चौधरी का संबंध किस स्थान से है, इनका संबंध है झुंझुनू से। तो कल की क्लास हमने रिवाइज की थोड़ा फास्ट और आज की क्लास के भी 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए, तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास, हम मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।